Welcome to Fruity Presents Comedy Circus ke Ajube. सुहेल अचानक कॉमेडी सर्कस से गायब हो गए। ये अर्चना की कोई चाल है या अरबाज ने खिलाया माल है? ऐसे जितने भी अनसुलझे सवाल हैं, उनका जवाब आज मिलेगा। आज हंसी के केसेस सॉल्व करेंगे कॉमेडी के डिटेक्टिव्स हमारे जासूस स्पेशल में। वो एक गाजर खाता है और मुश्किल से मुश्किल केस भी सॉल्व हो जाता है। सालों के बाद एक मर्डर की तफ्तीश करने आ रहे हैं गरमचंद जासूस और उनकी सेक्रेटरी किटी। प्लीज वेलकम मंत्रा एज गरमचंद, पूर्वी एज इंस्पेक्टर एंड राजीव एज किटी। राजत साहब, मेरे खून नहीं किया जत साहब, मेरे को फंसाया जा रहा है जत साहब, मैं कोर्ट में यह साबित कर दूंगा मैंने खून नहीं किया। कानून अंधा होता है, एब्सोल्युटली ब्लाइंड। कानून ने जरूर मंत्रा का एक्ट देखा होगा। माय लॉर्ड क्या हुआ? केस समझ में नहीं आया? क्योंकि ये केस बहुत ही पेचीदा है और इसे समझने के लिए कहानी की शुरुआत समझनी पड़ेगी। चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। लाइट्स, कैमरा, फ्लैशबैक। ये उस दिन की बात है जब मैं केस के सिलसिले में यहां पर पहुंचा, लेकिन मुझे अरबाज और अर्चना ने बातों में लगाया। अमिताभ बच्चन जी वाले डॉन का गाना बजाने के लिए बोला था। दूसरे कैंप के डॉन का गाना क्यों बजाया? नंबर कटवाएगा साले। सॉरी अरबाज भाई। इनटू द कैरेक्टर्स, लेट मी द इंट्रोड्यूस योर्स। मैं हूं चंद, जासूस गरमचंद, कोई छोटा मोटा नहीं। मैंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मेरी एक्सपर्टीज है। मैंने, मुझे विश्वास नहीं होता तो श्रुति से पूछ लो, ये जब भी कहीं जाती है इसकी खबर सबसे पहले मैं पहुंचाता हूं। इसके पति को नहीं, सुहेल भाई को। भैया जो पैसे देगा हम तो उसके बारे में बात करेंगे। एनीवे, जासूस गरमचंद स्पीकिंग, क्या आपको अपने पति पर जासूसी करवानी है? नाम और काम बताइए। दबंग 2 का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरबाज खान। भाभी जी आप परेशान ना हो, उन्हें मैंने स्पॉट कर लिया है, एक हफ्ते में रिपोर्ट देता हूं। आप दोनों में से अरबाज कौन है? कद काठी और रूप रंग से तो आपको बताया था, लेकिन बोला था सुंदर है तो आप ही होंगे। अरबाज जी, व्हाट इज द हैपनिंग्स? भाभी जी इज नॉट हैविंग द विश्वास। सलमान भाई टू, मैंने उनसे बोला किस पर ज्यादा विश्वास है, सोहेल या अरबाज पे? तो मालूम है क्या बोलते हैं? 15 सालों से मेरा विश्वास टेल जियो जी बार के आई। लेट मी द इंट्रोड्यूस, दिस इज माई टीम्स। और मैं जो भी काम करता हूँ चुटकी बजा कर करता हूँ। एंड माई सेल्फ चुटकी सर की असिस्टेंट। सर, मेरी ना आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल नहीं, फंबल रिक्वेस्ट बोलो। जिस काम में तुम माहिर हो वही करना चाहिए। वैसे इसी हिसाब से तो आपको हक्का नूडल्स बेचने चाहिए ना। नहीं, कुछ नहीं, फोन आ गया। हेलो, सच जू बीच पे लाश मिली है। जू बीच पर लाश मिली है? पर जू बीच पर तो पाव भाजी मिलती है। ये लाश कोई नई डिश लगती है क्या? ज्यादा तीखी है, पाव के साथ खाते हैं। व्हाट इज इट सर? लाश मींस बॉडी। पर बॉडी तो जिम में होती है। सर, पागलपंथी के दर्जा सिर्फ कृष्णा को मिलते हैं। अच्छा, और नंबर और थप्पड़ सुदेश जी को ही नहीं मिलते। I love you too, sir. चलो बीच पर चलते हैं, लाश हमारा इंतजार कर रही होगी। टिंग डिंग 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 डिंग। अरे इस चादर के नीचे क्या है, जल्दी जाके चेक करो किटी। ओ माय गॉड सर, लाश के पास चाकू भी है सर। चेक करो, फ्रूट्स भी होंगे, हेल्थ कॉन्शियस लाश लगती है। मैं करता हूं तफ्तीश, आई एम द एक्सपर्ट गरमचंद, मुझे कहीं ना कहीं सुराग मिलेगा, सुराग मिलेगा। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा सुराग है। सिगरेट का पैकेट। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसे कॉमेडी में नहीं, सीरियसली लीजिए। थैंक यू। आजकल मंत्रा के सटायर ना फिल्मों में भी शुरू हो गए। किसी भी फिल्म में जाओ ये सटायर देखने को मिलता है। उसी नर्चना जी गई थी पिक्चर के लिए, जैसे फिल्म देख रही है ये सटायर शुरू हुआ, उठ के तालियां बजाने लगी। माइंड ब्लोइंग। ये लो 500 रुपए। मैं बोला किस चीज के 500 रुपए? कहती नहीं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसे सिगरेट बंद, बीड़ी शुरू। सर बाकी बातें छोड़िए, ये सोचिए केस कैसे सॉल्व करना है। हमें 11 बजे का इंतजार करना होगा। वो क्यों सर? क्योंकि रात को 11 बजे क्राइम पेट्रोल आता है, उसमें अनूप सुन ही बता ही देगा कि मर्डर किसने किया है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, 10 तक। चलो हम इंतजार करते हैं रात के 11 बजने का। मार मार के
बॉडी के सारे छेद बंद कर देंगे, फिर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी कि खाए कहां से और कहां से। ये तो आपने मेरी तारीफ की, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ हर एपिसोड में होती है। वैसे तारीफ के बारे में तुम क्या जानो? हाँ सही है, हमने थोड़े ना दमादम में काम किया जो तारीफ के लिए भूखे रहेंगे, समझी? हम हैं यहाँ की रॉबिन हुड पांडे उर्फ सब इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे, और आज केस सॉल्व करने के बाद बन जाएंगी इंस्पेक्टर पांडे, समझी थुलथुल पांडे? वैसे मने खबर मिली है कि यहाँ पे एक मर्डर हो रखा है। सुखी बेंगी। Oh my God, जा। Looking London, talking Tokyo. लगता है इसकी एक आंख दूसरी आंख से इतनी ज़्यादा प्यार करती है कि एक दूसरे से टकरा जाती है। Yes, I say, जा। वाह, क्या बात कही तुमने? इधर। वाह, क्या बात कही तुमने? Yes. तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ, तो भैया, अब मुझे लगे हाँ तो ये भी बता दो कि मर्डर के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? देखो बरखुरदार, जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, साफ साफ कहूँ? हाँ। तो सुनो, वाव, मुझे खबर मिली है कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। करीना, मैंने साफ साफ बात, वाव। अब तेरे समझ में आई? हाँ। तो भैया, इतनी आधी रात को है नमक वारदात पे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे को तो घड़ा शक हो रहा है। बोलो बोलो, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम लोग? कुछ नहीं, हम तो ना यहाँ पे लाश की तफ्तीश करने आए थे। हाँ। पर इनसे कोई भी तफ्तीश सही तरह से नहीं होती। मैडम, लाश के पास इन्हें एक चिट्ठी मिली है। Dirty the girls? दूसरों की पर्सनल चिट्ठी पढ़ता है कोई? अरे तुम जासूस हो, श्रुति नहीं? क्या? अच्छा, यानी तेरे कहने का मतलब है कि श्रुति जो है? हाँ। वो दूसरों का पर्सनल इंटरेस्ट में ध्यान देती है, ना दूसरों का घर तोड़ती है, ना दूसरों के पतियों के साथ फ्लर्ट करती है। क्या कहना चाहते हो तुम? और जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ बोलो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का टैलेंट जो है वो ऐसा ऐसा अधूरा रह जाए। बोल दो। मैं तो कहता हूँ एंकरिंग तो केवल एक बहाना है, आकर पंचायत लगाती है अरबाज भाई बाहर। बाहर के सोफे पे बच्चियों को बिगाड़ती है नीति प्रीति अर्चना को। अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और सच्ची सच्ची बात बताऊ अरबाज भाई, मेंटल केवल बहाना है, हम जानते हैं। आप अपने सोहेल भाई को यहाँ से बचा कर ले गए, उनके बदले में आए। अरे कुछ दिनों बाद किट्टी पार्टी रखने वाले थे सोहेल इनके साथ बैठे बैठे। हाँ जी, तो कर लो ये अंदर की बात हो गया। कितने प्रतिशत भारतीय मर्द ये मानते हैं कि ये दोनों मर्डरर हैं? चलो भैया, अब तो मैं समझ गई कि तुम लोग का इसमें हाथ है, खून तुम लोग ने किया है। चलो तुम्हें मैं गिरफ्तार करती हूँ, चलो भाई थाने चलो। अरे पर मैंने तो खून किया ही नहीं है। अच्छा, वो तो तभी पता चलेगा जब थाने में मैं थारे फिंगरप्रिंट्स देखूंगी। दिखा तेरा हाथ। अरे मैं ओ, ये देखो, इसके हाथ में तो खून लिखा है। अरे लिखा है पर किया थोड़ी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी देखो भैया, ये क्या बात है कि खून तो लिखा है तो तुम करोगे सही। हाँ। तो उसके पहले कि तुम खून करो। हाँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगी, होगे ना बात? पर तुम कैसे साबित करोगे इन द कोर्ट्स? हाँ? कि मैंने द खून किया है? अरे घना सिंपल है, देखो भैया, तुम तीनों दोष थे। हाँ। तुम तीनों ने दारू पी। अच्छा। फिर गर्मा गर्मी में झगड़ा हुआ। हाँ। झगड़ा होते ही तुम्हें गुस्सा आया। okay. और फिर तुमने इस आदमी को ऐसे मारा, फिर उसको ऐसे मारा, और ये झिंगा यहीं पे ढेर हो गया। मर्डर ओवर के शॉल भैया, डाली मार दो। That's nice. I think she's right. Sir, sir, sir. Yes. सर मेरी बात सुनो, वो जिंदा है। अरे केस सॉल्व मैंने किया, ये तो जिंदा है। सॉरी, सब ठीक है? ठीक है। अरे यार, पहली बार केस सॉल्व हुआ था, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने जा रही थी तो जिंदा हो गया साला। लेकिन मरना तो इसे होगा, और साथ में इन दोनों का भी काम तमाम करूंगी। ऐशे, बहुत ही चतुर बुद्धि हूं मैं। अरे भैया। हाँ जी। मैं तो कहती हूँ इसको ढाई कर दो, मार डालो, इसमें हम दोनों का फायदा है। इसको मारने में हमारा क्या फायदा है? देखो, अगर ये मर गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और मेरा? और अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो इसको मारने की जुर्म में तुम्हारी जो सजा होने वाली है ना, वो मैं कम करवा दूंगी। That's a brilliant idea. आपको मेरी तरफ से थैंक यू। हाँ। एक सेकेंड भाई साहब, सॉरी मैं आपको बचा नहीं सकता। अब मेरी सजा कम हो जाएगी। सर आई हेट यू। क्यों? जब आपने उसे मारा ही नहीं तो सजा किस बात की मिलती? किटी,
यू आर स्टुपिड द गर्ल्स. अरे कोर्ट को कैसे मालूम होगा कि वो मरा? ओ हाँ, अरे पर जब वो मरा ही नहीं था तो मेरे को सजा नहीं होती, और अगर सजा नहीं होती तो सजा कम. तूने मेरे को बेवकूफ बनाया. अरे बाप रे, भाई साहब प्लीज, गलती से गोली लग गई. भाई साहब प्लीज खड़े हो जाइए, भाई साहब प्लीज खड़े हो जाइए. भाई साहब मैं यार, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और आप एटीट्यूड दे रहे. भाई साहब उठ जाइए. भाई साहब नहीं, जज साहब मैंने उसको नहीं मारा, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है. जज साहब मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूँ मैंने उसे नहीं मारा. कानून अंधा होता है, एब्सोल्युटली ब्लाइंड. कानून ने जरूर मंत्रा का एक्ट देखा होगा. जज साहब अब आप ही जज बैठे हैं यहाँ पर, आपने पूरा केस देखा फ्लैशबैक से लेकर एंड तक. अब आप ही डिसाइड करें कि हमारे लाइट वाले शो को क्या लाइटली लिया जाना चाहिए. हमारी लाश के लिए जोरदार तालियां. जजेस कैसा लगा आपको जासूस गरमचंद का ये केस? अर्चना, मंत्रा आपके गरमचंद में पंकज कपूर या गरमचंद का अंश बिल्कुल नहीं था, गाजर तो कम्प्लीटली मिसिंग था. और चुटकी, आप चुटकी नहीं, आप मतलब अच्छी खासी मटकी. मटकी, क्यूट कैरेक्टराइजेशन चुटकी, बहुत बहुत क्यूट किया आपने ये. और ओरिजिनल जो एक था उस वक्त का जो एक, उसमें कुछ एपिसोड्स के लिए मैंने भी किट्टी का रोल किया था. yes. तो आपने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी. पूर्वी, यू वर फैब्यूलस. थैंक यू. एंड आपने बहुत जान डाल दी इस एक्ट में, और जितनी जान नहीं डालनी थी वो नहीं डाली आपने, लाश ने. बहुत बढ़िया किया आपने. यू नो आई वॉज नोटिसिंग, आपका नाम कमल है, हमारे राइटर टीम में से. अरे यार, नन्ने मुन्ने पहचान में नहीं आ रहे कमल. आपने क्या कैरेक्टर को, यू नो यू बिकम द कैरेक्टर. आप जब उठे और जिस अंदाज से आप दारू पीकर आगे आए, यू आर अ परफॉर्मर. तो मतलब राइटर भी हो और परफॉर्मर भी हो. आई थिंक इस एक्ट में द विनिंग एस्पेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट. आई लव दैट. वो जो आपने ओपनिंग की विद प्ले विद साउंड लाइट और द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट सीन, और फिर आपने जो फ्लैशबैक को ख़त्म किया और वापस प्रेजेंट में आए. सो आई लव द स्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस एक्ट वेरी मच. दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट. आई थिंक बीच में पंचेस थोड़े कम थे, लेकिन वो कमी आप तीनों ने अपने, आप चारों ने अपनी परफॉर्मेंस से की. बट पुर बी यू रियली रोज अबव इवन योर रोल. थैंक यू. वेरी नाइस. जब एक्ट शुरू हुआ तो ये नया लगा पूरा कॉन्सेप्ट, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा लगा था कि सिर्फ हम जब एक्ट देखते हैं तो एक विजुअल भी आपने मतलब क्रिएट किया. इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ वेरी वेल, लेकिन बीच में आपने उसको कहीं लिंक नहीं किया. बाकी द एक्ट वॉज वेरी डिफरेंट. ओके, मुझे अपने एक बचपन के जो पसंदीदा शो की याद आई. बचपन में देखते थे, बड़ा एंजॉय करते थे. पंकज कपूर का परफॉर्मेंस, किट्टी का परफॉर्मेंस, कहीं ना के मुझे उस शो की भी याद आई. तो आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी गुड. एंड आप मुझे अजीब डॉली बिंद्रा की याद दिला रहे थे. एंड मंत्रा, यू वर वेरी वेरी सुव, वेरी स्टाइलिश, एंड आपकी जो बीच बीच में मिमिक्री होती है, आई रियली एंजॉय दैट. It was very good. Dead man walking, very good. And Urvi, outstanding. Thank you so much. Versatile. Thank you. Very, very good. Sometimes I think that now that I'm on the show, seen some of your earlier work and what I'm seeing right now, I'm just thinking ki aap aisa kya hai jo aap nahi kar sakti hai. True. Yeah. You're very good. Thank and you. And without a doubt, aap aur Bharti, India ke best female comedian mein se hai. Thank you. Yeah, there's nobody better than the two of you. So judges, scores de de. Arbaaz, aap kitne points denge? 9 points from Arbaaz. 9 points from Arjuna. You watch out. The moment has arrived. मेरे act की सबसे खास बात, the moment has arrived. इसको replay करके देखिए. देख सकते हैं. Slow motion में.
थैंक यू सो मच. एक बार मंत्रा, पूर्वी और राजीव के लिए जोरदार तालियां. जब बड़े लोगों के यहाँ होती है चोरी तो वो इंटरनेशनल जासूस को है बुलाते. महारानी के हार की चोरी का केस दिया गया है एजेंट 007 को. प्लीज वेलकम भारती एज महारानी की बेटी, सिद्धार्थ एज जासूस एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स. My name is Bond. James Bond. जासूसी का पहला सबक है सब चीजें सीक्रेट रखने का. सीक्रेट. अभी मुझे जोर से सुसु आई है लेकिन मैंने बताया नहीं. सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट. अरे मैं बहुत बड़ा जासूस हूँ. मेरा पहला केस था मेरे बाप का. तहकीकात के बाद मुझे पता चला कि मेरे बाप का और मेरी माँ का चक्कर था. मुझे बाप पे बड़ा गुस्सा आया. साले ने घर की बीवी भी नहीं छोड़ी. एक मिनट. भांड, जेम्स भांड, क्या हुआ? महारानी का हीरा चोरी हो गया? डोंट वरी भांड, जेम्स भांड के पास भेजो, केस सॉल्व करेगा. जेम्स भांड, हमारा हीरा चोरी हो गया है और हमारी तमन्ना है कि तुम हमारा हीरा ढूंढो. हीरा तमन्ना, क्या तुम्हारा नाम पन्ना है? क्यों? तुम्हारा नंबर 007 है ना? 007. हाँ, तो 7 से ज्यादा तुम्हारा बनता भी नहीं है. चलो जल्दी से हमारा हीरा ढूंढ दो. वह हमारी राजकुमारी की शादी होने वाली है. राजकुमारी को पता चल गया कि हीरा चोरी हो गया है तो राजकुमारी गुस्सा हो जाएगी और अगर वो गुस्सा हो गई तो क्या होगा? तो बहुत बड़ी बड़ी डकार लेगी. डकार? महारानी की जय से पहले. ओह माय गॉड, मेरे से भी ताजा तरो लग रही हो, बिल्कुल फ्रूटी की तरह. महारानी की जय हो. एक मिनट. आहा, घर में इतनी सुंदर बीवी फिर भी मुझे देख रहे हो. आई नो कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ लेकिन ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं. घर में बटर चिकन बना हो लेकिन वड़ा पाव खाना ही खाना है. अब ऐसे मत देखो, नजर लगा के मारोगे क्या? अरे वो बात नहीं आएगा लेकिन तुम नंगे दांत लेके क्यों घूम रही हो? तमीज से बात कर भांग, यही तो हमारी बेटी है राजकुमारी. ऐसी राजकुमारी, ऐसी महारानी, क्या महाराज का नाम टीनू है? तुझसे कहा था गुस्सा मत दिलाना. बेटी गुस्सा नहीं, बेटी गुस्सा. अरे क्या किया गुस्सा, बेटी गुस्सा. शांत बेटी, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, रिलैक्स. ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. हमारी बेटी तो बहुत ही टैलेंटेड है, ये अपने दांतों से ताली भी बजा लेती है. बेटी दिखाओ इन्हें, दिखाओ. ये ऐसे दांत, ये ऐसे कैसे पैदा हो गई? अरे ये बहुत लंबी कहानी है. हमारे पति ने सुहागरात पर हमसे कहा कि हमें जरा डांस दिखाओ, तो हमने इतना कमाल का डांस दिखाया कि पूरी रात वो हमें दांत देते रहे. और फिर उसके बाद पैदा हुई अद्भुत बच्ची, यानी कि मैं. जब मैं पैदा हुई थी हमारे राज्य में इतना मीडिया आया क्योंकि मुझ जैसी तंदुरुस्त मोटी बच्ची को देखने सारा मीडिया अंदर आके मुझे बधाई देने लगा. बहन बधाई हो, आपके घर लड़की हुई है. मैंने कहा बच्ची मैं हूँ, माँ मेरी पालने में सो रही है. ऐसे दांत, ऐसे लोगों की शादी हो जाती है? देखो कौन बोल रहा है. मैंने ढूंढूंगा तुम्हारा हीरा. क्या गुस्ताख, हमें ना किया तुमने. गुस्सा नहीं बेटी, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बेटी, गुस्सा नहीं. अरे बेटी गुस्सा नहीं, बेटी गुस्सा, बेटी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बेटी, बेटी गुस्सा.
हाँ बेटी शांत हो जा, बेटी शांत शांत, breathe in breathe out, breathe in breathe out, शांत बेटी शांत शांत। हो गई माँ, आप अंदर जाके शांत हुई हो, मैं इसको संभालती हूँ, relax माँ। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। चली की मर्दों जैसी बुड्ढी, please मेरी माँ का हीरा ढूंढ दो, वरना मेरी माँ मर जाएगी, please। तुम्हारी माँ का हीरा ढूंढने में मुझे कुछ मदद करो, मुझे कुछ डिटेल्स बताओ। मेरी माँ को दमा है, उनकी बाई दांत में गंदा वाला कीड़ा लगा हुआ है और उन्होंने अंदर अरे से वो नहीं। हीरे के बारे में डिटेल्स बताओ। एक मिनट, कौन हो तुम? मुझे लगता है ये बंदर है, बंदर। बंदर लेकिन इतना शांत क्यों है? मन की शांति। रानी माँ का हीरा, रानी माँ का हीरा तुम्हारे पास कैसे? बंदर, रानी माँ, गुपचुम 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 गुपचुम। अच्छा, रानी माँ का तुम्हारे साथ चक्कर है? नहीं, ये बकवास कर रहा है बंदर। रानी माँ को तो जानवरों से प्यार बहुत था, इसको एक दिन अदरक खिलाने आई, इसने ऐसा झपटा मांगा, पकड़ना कुछ और था, हीरा पकड़ लिया। बंदर को पकड़ो, बंदर को पकड़ो, बंदर। अरे ये बंदर को नहीं, वो बंदर को पकड़ो। एक मिनट, मैं जासूस हूँ, मुझे मालूम है बंदर को कैसे हाथ में लिया जाता है। अच्छा बाबा चला मामा एक मिनट, रानी माँ का फोन आ रहा है। रानी माँ की जय हो, वहाँ आपका हीरा मिल गया बंदर के पास। क्या, जिसके पास हीरा होगा वही मेरा पति होगा? ओके, बंदर मेरा पति? अरबाज दीवाना कहीं का, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी अगर तुम मेरे दीवाने थे। अब कह दो सबके सामने कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। आ जाओ। थैंक यू। तो अरबाज क्या कहेंगे आप आपके दगाबाज नैनो के बारे में? पूरे एक्ट में मेरे मुंह पे एक स्माइल था। आई जस्ट एंजॉयड द एक्ट, बहुत अच्छा था। It was very nice. Overall, I kind of enjoyed it. That's thank it. You. Thank, you, thank you. Thank you. Thank you. Archana, ऐसा act लिखने के लिए, I mean एक अजीब सा मतलब बंदरनुमा दिमाग चाहिए, because who can write this kind of an act? I mean it is bizarre. The concept was completely bizarre. आज की theme है जासूस. तो उसमें फिट करना और ऐसी थीम में इस अजीब सी कहानी को फिट करना बहुत मुश्किल है। आई लाइक दिस अबाउट द कॉमेडी सर्कस राइटर्स कि दे गिव यू समथिंग जो और कोई राइटर सोच ही नहीं सकता, वो यहाँ पर आपको इस मंच पर करने को देते हैं। थ्री परफॉर्मेंसेज वर वेरी नाइस। कीकू एज अ महारानी आप डरावनी थी, लेकिन लेकिन एज अ बंदर आप बहुत क्यूट थे। मुझे एंडिंग थोड़ा अब्रप्ट लगा, लेकिन इन बिटवीन देयर वर लॉट ऑफ नाइस एंटरटेनिंग क्यूट मोमेंट्स। इट वाज अ नाइस स्वीट एक्ट। थैंक यू। टाइम फॉर द स्कोर्स। तो अर्चना आप कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। तो अरबाज आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? मैं पॉइंट्स देने से पहले मैं भारती का गुस्सा फिर से देखना चाहता हूं। सीरियसली? अच्छा दिखाओ। आई लव दैट।
On demand. Can you believe that? Burping on demand. मुझे सबसे अच्छा ये डकारी लगा. But at the same time, I thought the act was good, and I'm going to give 9 points from Arbaaz. CID के ACP को अपनी पत्नी को बाहर ले जाना है और इसीलिए उन्हें कॉमेडी सर्कस का टाइम चेंज करवाना है. तो कॉमेडी सर्कस में CID का स्वागत है. प्लीज वेलकम कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स, सुदेश एज CID का ACP एंड सिद्धार्थ एज श्रुति. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं दया. अर्चना जी, हमारे हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों से सिर्फ दो चीजें नहीं बदली, एक ACP प्रद्युमन और दूसरा भी ACP प्रद्युमन. वाट लगा के रखी है आदमी ने. अर्चना जी, हमारी शादी नहीं होने देता यार. आपने कभी CID में हमारी फैमिली देखी है? कभी कोई फैमिली नहीं होती. एक आदमी का फोन है, कहते मेरी बीबी सुसाइड कर रही है, उसे अंदर से ताला लगा दिया, आके दरवाजा तोड़ दो. हाँ ठेका लगाया दरवाजा तोड़ने का मैंने. मैंने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं 10,000 रुपए लूंगा. कहते फिर जाने दो, बीवी को 5,000 नहीं दे तभी तो सुसाइड कर रही है, तेरे को 10,000 खाक देंगे हम लोग. ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी टीम में. एक तो डॉक्टर रखा हुआ है. डॉक्टर तो ऐसा है कि डिलीट और एंटर का बटन दबा के किसी के भी फिंगरप्रिंट निकाल लेता है. कभी कभी तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता फिर भी फिंगरप्रिंट निकालते रहते हैं. खैर प्रॉब्लम बहुत आती है. कॉमेडी सर्कस ने बहुत परेशान किया हुआ है. क्या इसका टाइम स्लॉट 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉमेडी सर्कस आता है, उसके बाद 10 से 11 जो है वो हमारा CID शो आता है. लेकिन क्या इस चक्कर में हम लोग रोज लेट हो जाते हैं ना, फिर हम घर पे 12-1-1 बजे पहुंचते हैं. अच्छा नहीं लगता. और अभी का ACP प्रद्युमन जो है उनकी एनिवर्सरी है, तो इस बार हमने सोचा है जब TV पे कॉमेडी सर्कस आएगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जरा इस बार अपने टाइम स्लॉट में हमें आने दीजिए. तो वो पता नहीं प्रद्युमन जी कहाँ चले गए, अभी आते ही होंगे. सर कुछ तो गड़बड़ है दया. कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. अब वो गड़बड़ यहाँ पर मत कर देना. कितनी बार बोला घर से गड़बड़ करके आया करो. मना किया है, 3-3, 4-4 दिन पुराने नान मत खाया करो. फिर भगवान से प्रे करते रहते हैं, भगवान या तो जान निकाल दे या नान निकाल दे. कुछ तो गड़बड़ है दया. आगे बताओ यहाँ क्यों आए अभी. आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है मेरी वाइफ के साथ. हाँ हाँ. तो मैं जल्दी जाना चाहता हूँ. इनको बोलो ये हमारा शो कब शुरू होगा दया. हमारा शो कितनी होगा दया. सर अभी पहले कॉमेडी सर्कस आएगा, उसके बाद हमारा शो आएगा. कुछ नहीं हो सकता. उनसे बात करो, इसको हमारा आज पहले करा दो, क्योंकि मैंने जल्दी जाना है. क्योंकि ज़्यादा इनके चक्कर में हमारा प्रोग्राम 10 से 11 आता है और मैं बहुत लेट हो जाता हूँ. मुझे डर लगता है. आपको डर लगता है ACP के? आपको डर लगता है घर जाने से? अरे क्या बात कर रहे हैं सर. अरे ACP तो मैं तो ऑफिस में हूँ, गली में मुझे कुत्ते काटते हैं. अरे इनको बोलो अपना शो जल्दी खत्म करो. अरे सर अभी बस टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं. एकदम देखिएगा फ्रूटी सेट आती होगी TV पर आई. कुछ तो गड़बड़ है दिया. इधर भी कुछ गड़बड़ है दिया. दिया इधर आ. ये नाक कौन है? ये कौन है नाक जिसके हाथ पांव भी निकले हुए? अरे नाक नहीं है, ये फ्रूटी सेठ है और इस पैटर्न नेम नोजी सेठ है इसका. ये कॉमेडी सर्कस की एंकर है सर. यस सर. ये क्या कर रहे हो सर? ये आवाज ऊपर कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही. हेलो एंड फ्रूटी प्रेजेंट्स, एक मिनट देखो. हाँ हेलो एंड फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस की अजूबे. दिया दिया कुछ तो गड़बड़ है दिया. ये कौन एंकर है कि कैस्टो मुकर ये कैसे हंसती है दिया. हाँ इससे बात करो, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, जरा हमको मौका दे दे. अरे सर आप बात करिए, बेटर होगा. नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तू कर. अरे नहीं आप बात करो सर. अरे मैं क्यों करूं? अरे बुड्ढी बुड्ढे की बात सुनेगी ना सर, मेरी बात थोड़ी सुनेगी वो. अरे अरे किस एंगल से ये तुमको बुड्ढी लगती है? अरे कौन कहता है ये बुड्ढी? ये तो सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर है. अरे सर आप, अरे सर
आप लोगों ने तो सिर्फ इसको टीवी पर देखा, मैंने करीब से देखा है। इसकी तो झुर्रियां भी सफेद हो गई है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। दिया, दिया क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे ये तो एक शरीफ लड़की है, जब शरीफ लड़की को गुस्सा आ गया ये अपने 8-10 बॉयफ्रेंड भेजेगी, 4-5 पति भेजेगी, हमको मार देंगे। कुछ तो गड़बड़ है दिया। सर बात करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप बात करिए प्लीज, एक बार जाके प्लीज। ओके मैं कौन, टीवी के अंदर जाके सर। ठीक है यहाँ से मैं कर लेता हूँ, मैं कौन सा नहीं डरता। आज की हमारी स्पेशल थीम है जासूस स्पेशल। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, बात करने से पहले उंगली नीचे करो। चुकर, तू कौन है? मुझे नहीं पहचाना, ये देखो। ओ दिलीर मेहदी, ये देखो। ए, कौन सा जानवर है तू? ए, सर के साथ बकवास करती है। देखिए मैं हूं दया, मैं सीआईडी से आया हूं, हमारे सर एसीपी प्रदुमन। देखिए एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम क्या है, आपका जो शो है वो 8:30 से 10 बजे तक आता है, ठीक है? आज सर की एनिवर्सरी है, इनको अपनी वाइफ से मिलने जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मैडम कि अगर ये टाइम स्लॉट आप हमें दे दें तो सर को बहुत फायदा होगा, वो घर जाकर काफी कुछ अपना यू नो होता है यार, सबका होता है, तो प्लीज अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर ले हमारे साथ बस मैडम। एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोल क्या रहे हो? हट, पहली लाइन में नहीं बोल सकते जी, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। इतनी बड़ी नाक लेके घूम रही है, इतनी बड़ी नाक में ना अर्चना जी ने मडरल में बंगला बनाया हुआ है, समझी? इतनी बड़ी नाक लेके घूम रही है, मैं तो बोलता अपना नाक कटवा के दो कान बनवा ले इसके। सर ये सुननी को मैं नहीं संभाल सकता, मेरे को गुस्सा आ गया ना, आई विल किक हर। सर आप संभालिए सर प्लीज, आप संभालिए, मैं जा रहा हूं। नहीं देखो टीवी के अंदर जब इंसान रहता है तो घमंड रहता है, थोड़ा बाहर आके बात करते हैं। एक्चुअली मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें मौका दीजिए, और आपका कॉमेडी सर्कस लोग देख देख के पागल हो गए, कृष्णा सुदेश के सिवा और है क्या इसमें, हमें दीजिए, हम कुछ नया करना चाहते हैं। प्लीज कुछ नया नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक नया जज आ चुका है, बहुत हो गया बस। ओ माय सलमान, कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का कौन है? ये सुहेल का बड़ा भाई अरबाज खान। अरे अरबाज, अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इधर भी। स्टैंडिंग विशन वाले को 8-8 और 8-8 वालों को स्टैंडिंग विशन, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे डर है मेरी बीवी यहीं ना आ जाए, मैं परेशान हूँ। तेजा माइलक टकलू मेलिया, ये क्या कर रही है? घर से जब भी निकलता है सब चीजें खोल के जाता, मैं ही बंद करती हूँ, समझा? ये मेरे को मालूम है तेरा लपड़ा इसके साथ, मैं असली सीआईडी वाले के पास जाएगी और तेरा सब कंप्लेंट करेगी, सब कुछ गड़बड़ है। चुप कर, नाक मार के सर फोड़ दूंगी तेरा मैं। बकवास कर, तू है कौन? तू क्या करने आई है? मैं इसकी बीवी है समझी, तो क्या करेगी तू? क्या करेगी बोल, बताऊं मैं? टकलू हट, ये टकलू क्या दिया रे आज तक तूने मेरे को? 16 साल से एक ही कोट पैंट पहन के घूम रहे, अब वो भी कोट पैंट इतना कड़क हो गया, इतना कड़क हो गया, एक बार गोली जो है साला बुलेट प्रूफ जैकेट में जाके घुसेगी, तेरे कोट में कभी नहीं घुसेगी। देख तेरा कॉमेडी सर्कस ही अच्छा है। हाँ मैं तो बोलती हूँ सोनी टीवी का सारा शो अच्छा है, सभी शो देखो। हाँ कॉमेडी सर्कस तो जरूर देखना, 8:30 से 10 बजे, बहुत अच्छा आता है। और खास करके भी नया प्रोग्राम आया छन छन, वो भी बहुत अच्छा शो है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक का है ना, प्रमोशन नहीं करो तो पैसे नहीं देते, तो सब शो देखो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। बहुत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। श्रुति इधर आ, हम बदनाम तो हो ही चुके हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना कि हम गड़बड़ कर ही दें, हम दोनों शादी कर लेते हैं, आओ मेरे गले लग जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, ये लो। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता।
जजेस, इस एक्ट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना कि सबसे डरावना कौन है, दया, एसीबी की बीवी या फिर ये श्रुति। भाई मुझे तो दया भी ठीक ही लगा, वो बीवी भी अच्छी लगी और एसीपी भी, और ये लंबी नाक वाली श्रुति मुझे सबसे डरावनी तो ये लग रही है। मैंने पहले कहा था कुछ तो गड़बड़ है। कितनी बेइज्जती। अरे जितनी हो रही थी उससे तो कमी है। You actually think I'm more frightening than these three namunas on stage? Because I love them. तो कैसा लगा आपको ये एक्ट अर्चना? You know, ये कैसे हालात में आप लोगों ने ये एक्ट खड़ा किया है आज। इम्प्रोवाइजेशन का एलिमेंट बहुत हैवी था आपके इस एक्ट में, लेकिन प्रेपरेशन कम थी। इंस्पायर्ड ऑफ ऑल दैट कि आपकी तैयारी कम थी एंड वेरी लिटिल टाइम एंड ऑल, यू स्टिल पुट अप अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। ये एक्ट सिर्फ ये तिगड़ी ही कर सकती है, बिकॉज लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, तीन पागल, और जब आप तीनों को दे दिया जाए CID जैसा मसाला, अगर कॉमेडी सर्कस को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है CID, और आपने कॉमेडी सर्कस में CID को दिखा दिया, तो द ह्यूमर दैट केम आउट वॉज अमेजिंग। लंबी नाक वाली श्रुति, आपने बहुत अच्छा किया। वो जो चुड़ैल नुमा वो जो था बीच में, वो क्यों था, और ऐसा तो श्रुति कभी नहीं करती, लेकिन अब आप उसे भी लेजेंड बना देंगे कि एक श्रुति है जो ऐसे इतनी लंबी नाक वाली है और ऐसे चिल्लाती है। क्या क्या क्रिएट करते हैं आप, आई जस्ट विश थोड़ा और वक्त मिला होता आपको। इन स्पाइट ऑफ दैट I was hugely entertained. हमने निकुल जी को बोला था कि श्रुति जी का नाक ऐसा थोड़ी है, तो आप क्यों करवा रहे हो, तो कहते वो कौन सी बुड्ढी है, बुड्ढी भी तो कहते हैं, तो जवान ही ना। वाह वाह, मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार, जरा प्रोफाइल में देख लीजिए, है मेरा नाक बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है ना, थोड़ा लंबा ही लगता है, ये छोटा रह गया इस बार। एक्चुअली हम लोग करवा लेंगे नेक्स्ट। श्रुति, यू कांट बीट देम, जॉइन देम, ट्रू, एंजॉय। अरबाज, आप क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? वाह, कमाल है, सुपर, मजा आ गया। आई थॉट आप लोग तीनों का कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट, एकदम टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन इज वंडरफुल। अरे सिद्धार्थ, तुम तो ये औरतों के रोल जो प्ले करती हो, ये क्या बाद में भी कभी तुम प्रैक्टिस करती हो क्या इस किस्म के? अरबाज, आप ही से शुरू करते हैं, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट देंगे? 9 points from Arbaaz and 9 points from Archana. Watch out, whenever she comes closer to you to grab that, that is the way she moves in slowly. फिर एक दिन हाथ पकड़ेगी। या अब revenge ले रही है, अब श्रुति revenge ले रही है। But have you noticed कि जितनी जल्दी मैं ऐसे करती हूँ छोड़ देता है एकदम फटाफट, तो मुझे ऐसे से करना पड़ता है नंबर को। Don't worry. 9 points from Archie. एक बार कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। जासूस की जासूसी की लग सकती है वाट, अगर जासूस की पत्नी भी चल दे उसके साथ। चाचा चौधरी की पत्नी भी कर रही है उनके साथ जासूसी। अब चाचा जी केस सॉल्व कर पाते हैं या खुद एक केस बन जाते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज चाचा जी बीवी, परेश एज चाचा जी एंड सुगंधा एज अ मॉडर्न गर्ल। सावो सावो, अरे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम लिपस्टिक लगा के वहां बैठे हो। अरे अरबाज बेटा, कैसे हो अरबाज बेटा, पहचाना चाचा चौधरी? अरे आप सबने अपने बचपन में मेरे कॉमिक जरूर पढ़े होंगे, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने अपने बचपन में श्रुति की कॉमिक्स पढ़ी थी। बहुत पुराना जासूस हूँ मैं। जब मैं पैदा हुआ ना तब बच्चों के दूध के दांत फूटते थे, लेकिन मेरे दूध की मूछें निकली हुई थी। मैं जब छोटा था तभी मेरा नाम पड़ गया था चाचा, क्योंकि क्या हुआ, जब मैं पैदा हुआ ना तो वो नर्स जाके मेरे पापा से कहने लगी, अरे चौधरी साहब मुबारक हो, आपके घर चाचा पैदा हुआ है। खैर ये सब बातें छोड़ो, क्या है कि मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ अरबाज बेटा, उसकी वजह से ना मैं अपनी हॉट हॉट गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, लेकिन मैं भी एकदम चंटू, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना जो अपनी गर्लफ्रेंड है ना उसी को मैं अपनी सेक्रेटरी बना लूंगा, फिर उसके साथ जाके ऐसे ऐसे मर्डर केसेस सॉल्व करूंगा कि हमारे खुद के छोटे छोटे केस पैदा हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह मैं अपनी बीवी को मना लूँ,
सेक्रेटरी रखने के लिए। बीवी, ओ बीवी, मेरे सफेद सफेद समोसे, मेरा दिल करता है मैं तुझे ना चटनी लगा के ना गटर में फेंक दूं कहीं बस। तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा कर, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो चिपकती रहती है, मैं तेरा पति हूँ। पति है तू? अरे पति होते 6-6 फीट ऊंचे, और तू तू तो जाके किसी खंबे से चिपक के लटक भी जाए ना तो लोगों को यही लगता है सीसीटीवी कैमरे पे ना कोई पगड़ी डाल के चला गया। ए जाहिल औरत। जाहिल मैं? और नहीं तो क्या? मुझे जाहिल बोल रहे हैं, मुझे जाहिल बोल रहे हैं, खुद को अक्ल ही नहीं है। कभी कभी सर पे मेरी साड़ी लपेट के चला जाता है। सारा दिन मैं पेटीकोट लेके शहर में घूमती रहती हूँ। क्या तू सिर्फ पेटीकोट पहन के घूमती है मोहल्ले में? अच्छा अब वो भी ना पहनूं? हे बेवकूफ औरत, तुझे पता नहीं लोगों ने मेरा लोहा मान लिया है। वो सब जानते हैं कि जो चाचा चौधरी उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। हाँ जब कंप्यूटर बंद करके दिमाग चलाएगा तो दिमाग तो ज्यादा तेज ही चलेगा ना कंप्यूटर से। ये बीवियां ना कभी अपने पति को इंटेलिजेंट समझती ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि सलमान भाई ना बहुत इंटेलिजेंट है। तुझे पता है मैंने कितने बड़े बड़े कातिलों को पकड़ा है? हाँ हाँ कहाँ से पकड़ा बड़े बड़े कातिलों को, घर में आके बीवी तो तुझसे पकड़ी नहीं जाती, उसमें भी मेरा पेट बाहर रह जाता है। तू बड़ा आया कातिलों को पकड़ने वाला। सारा दिन से जसूसी की पड़ी रहती, सारा दिन जसूसी, सुहाग रात पे ग्लव्स डाल के मेरा घूंघट उठा रहा था और मुझे पूछ रहा था शादी से पहले तेरे कितने चक्कर थे, बता दे मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं मासूम, मैंने बता दिया मेरे 2 चक्कर थे। शादी से पहले 2 चक्कर थे और अपने को मासूम बोलती है? मासूम बोलती है? मैंने तुझे पहले भी कहा है अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझ पर इस तरह से हाथ मत उठाया कर, एक बूढ़ा आदमी ऐसे रोते हुए अच्छा लगता है कि बहन जी। देख मैंने अब तय कर लिया है, मुझसे ये अब सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं ना अपने लिए एक अच्छी सी सुंदर सी ना लड़की को मैं सेक्रेटरी रख लूंगा। सेक्रेटरी रख लूंगा? ऑफिस तूने लिया नहीं, सेक्रेटरी को क्या मूछों पे रखेगा? और सुंदर चाहिए ना तो भाई पता क्या, अभी मैं टाइम नहीं है मेरे पास तेरी सेक्रेटरी बनने के लिए। ए मैंने सुंदर लड़की कहा है, सुंदरलाल चौबे नहीं कहा। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ बोल बोल बोल। नहीं 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 आ सकता ना, बीवी पीछे पड़ी हुई है। देखो देखो तुम डरो नहीं, अच्छा नाराज मत हो, ठीक है मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ओके बाय, आई लव यू, बाय। देखो मुझे केस मिला है, एक लड़की का कत्ल हुआ है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। मिलने? नहीं कत्ल के सुराग ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मैं अभी तेरे साथ ही चलती हूँ, सुराग ढूंढ रही है ना। हाँ मैं अभी तेरे साथ चलती हूँ, तुझे भी सेक्रेटरी चाहिए थी वैसे भी। अब लेकिन मैं चल। लो आ गए हम लाश के घर। हाय हाय कितनी मासूम लाश है देखो। ये मासूम है? मुझे तो बेवकूफ लग रही है, घर में 2 बंदे हैं, उठ के बंदा चाय पानी पूछ लेता है। पता नहीं लाश को किस चीज का एटीट्यूड होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो परसों कब्रिस्तान में गई थी, वहां पर ना जॉन मुझसे बात करे, ना एलेक मुझसे बात करे, ना पीटर मुझसे बात करे, मुझे भी गुस्सा आया। फिर मैंने भी ना मैरी के फ्लावर टेरी को देखे आ गई। ये देख यहाँ पे लाश पड़ी हुई है और दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब जानती है तू? हाँ हाँ अभी दरवाजा मुझे बंद करना पड़ेगा। चुप कर, और सबूत ढूंढते वक्त ना बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात मत करना। क्यों सबूत भाग जाते हैं? अरे तुझसे कहा ना कि ऊंची आवाज में बात मत करना। क्यों ना करूं, मैं तेरे बाप की नौकर हूं, तेरी बीवी हूं, मैं तो ऊंची आवाज में बात करूंगी, तुझे क्या है? और ऊपर से ये देख किधर गोली वोली लगी नहीं हुई, मैं बता मरी कैसे? अरे कैप्सूल से मरी होगी। किधर किधर कैप्सूल लगा बता। अरे तू देख लाश को छू मत, उसमें जान होती है। अच्छा जी मैं तो छूंगी, ये ले तू रोकेगा मुझे, ये ले छूंगी, तुझे भी छूंगी, ये ले ये ले ये ले। अरे लाश जिंदा होगी। हाँ भूत 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 तू है भूत, तू है भूत। हाँ मैं भूत हूँ, आ जा निगाहों में, आ जा गुनाह कर ले, आ जा तू बाहों में, आ जा गुबे। डर नहीं लग रहा अर्चना जी, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ इसलिए डरना पड़ रहा है। अच्छा करियो ना।
नहीं नहीं अच्छा नहीं कर रही, डर उनसे लग रहा है कि पता नहीं अब एक्ट के बाद क्या करेंगे हमारा। मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही है। क्या होता है ना, जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटता है। हाँ, ज्वालामुखी फट जाएगा, मुझे लगता है साबू गुस्से में। कुछ कर इसे बेहोश कर। एक मिनट, ऐसा करते हैं मैं राखी गुजार मंत्र भूखती हूँ। हाँ एक मिनट, मेरा करण अर्जुन आंग, धरती का सेना चीर का आंग, मेरा करण अर्जुन आंग आंग आंग। ये बेहोश नहीं हुई? नहीं। अरे साले, हमारी स्क्रिप्ट देख के सब लोग बेहोश हो रहे, तू क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट एक मिनट, एक और मंत्र। हाँ, काजोल मंत्र, काजोल मंत्र। हाँ बहुत अच्छा हुआ कि ये बेहोश होगी। जब तुम्हारा फोन आया ना कि मुझसे मिलना है, तब मैं बहुत डर गया था। ये साथ में आने को राजी हो गई, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ गया मैं क्या करूं। लेकिन पहले तुम लाश बनी और फिर भूत, कितना अच्छा किया तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भूत बन के मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था है? अब तू मेरा घर बर्बाद करेगी है? मेरा घर बर्बाद करेगी? तू नहीं बचती आज मेरे हाथ से, इंजेक्शन लगा के मार दूंगी तुझे तो मैं। देख, इसे कुछ करने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। ओके। अबे आज तक मेरी एक भी बात नहीं मानी, आज पहली बार मैं मान गई। चल, इसका तो काम हो गया और मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा तो साबू से चक्कर बनी जाएगा। तू अपना सोच ले। तो मुझे क्या टेंशन है, मेरे लिए अरबाज है ना सलमान को सिफारिश डालने के लिए, और वैसे भी उन्हें भूमिका कितनी पसंद है सब जानते हैं, भूमिका चावला यू नो। उठ जाओ चाचा चौधरी जी। जजेस, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस अरबाज? परेश, जब आप एंटर करते हो ना तभी से हंसी शुरू हो जाती है। आपका एक्ट तो बाद में करते करते और भी मजा आता है। पहली बात तो एमएस से, जो आप लोगों ने जो लुक अचीव किया है ना, बड़ा कन्विंसिंग है कि किसी भी एक्ट में अगर आप जिस किरदार को आप निभा रहे हैं उसका अटायर या उसका जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप उसको करें तो एज इट इज़ वो कैरेक्टर बड़ा कन्विंसिंग लगता है। तो आप चाचा चौधरी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल आप वैसे ही लग रहे हैं। तो वेरी गुड, आपने तो बहुत कमाल किया। एंड आई रियली थॉट द एक्ट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, एंड योर एंट्री राजीव वॉज ऑल्सो वेरी गुड, and you've done very well. I thought it was a very well written act until Sugandha's entry. I think the act slightly went little weak. For me overall it was a good act, but I think you all are capable of doing something much better. So that's what I want to say. Thank you, Arbaaz. Thank you. Archie, I think I agree with Arbaaz ki Chacha Chaudhary ka jo look hai, get up hai, perfect hai. I think agar koi film bane Chacha Chaudhary par, they should cast you. You are looking very good aur jis tarah se aapne ye character nibhaya hai bahut acha kiya aapne. I wish this had been a more defined act. Usme ye character aur bhi ubhar kar aata, lekin as a character and as a performance it was very good. Rajiv, you were looking a hatti katti panjabban, aur jo gulatiyan khati hui aap aayi hain to mujhe laga jo andar lash thi maine kaha mari na jaye, lekin kya with great expertise aapne apne jo gulati hai kamal ka jo wo jump liya fabulous, shruti ki aise nikal gayi thi main bhi, oh my god you did that very well. There were a lot of nice elements in the act, lekin jaisa arbaaz ne kaha ki Sugandha aapki entry ki wajah se nahi us point par एक्ट थोड़ा नीचे गया, लेकिन इट वाज स्टिल अ स्वीट एक्ट विद गुड परफॉर्मेंसेस। थैंक यू आर्ची। एक बार राजीव, सुगंधा और परेश के लिए जोरदार तालियां। क्या आप जासूस बनना चाहते हैं, पड़ोसी के घर में ताक झांक करना चाहते हैं, दूसरों के लफड़ों में बेवजह घुसना चाहते हैं, तो जासूसी की ट्रेनिंग लेने के लिए आइए कपिल के इंस्टीट्यूट में। कपिल ने खोला है जासूसी का इंस्टीट्यूट। अब वहां केसेस सॉल्व करते हैं या खुद केस में फंस जाते हैं, चलिए देखते हैं। कपिल एज अ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मुबीन एज स्टूडेंट एंड श्वेता एज हरसेल्फ। मैं हूं जासूस गरमचंद। जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो मैं गर्म हो जाता हूं, और मुझे चंद चीजें मिलती, ज्यादा कोई मिलती नहीं, इसलिए मैंने अपना नाम रखा जासूस गरमचंद।
मुझे पता है ये पंच को इतना हैवी नहीं था, बट आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट ए कॉमेडियन, आई एम डिटेक्टिव। 20-20 चपातियां खा के इधर बैठ जाती हंसने के लिए। हाउ डे यू टू लुक एट मी लाइक दिस। मैंने आपको बताया कि जब मुझे कुछ चीज नहीं मिलती तो मैं गर्म हो जाता हूँ, और चीजें मुझे चंद मिलती है इसलिए मैंने गर्म चंद रख लिया। ठीक वैसे ही जैसे अर्चना जी को लोग मर्द बोलना शुरू किया, इन्होंने अपना नाम पूरन सिंह रख लिया। कभी किसी लड़की का नाम पूरन सिंह देखा? ऐसे लगता है किसी पहलवान का काम बंद हो गया, अभी वो घुटने मालिश करने का सेंटर खोल रखा उसने। मैं खानदानी जासूस हूँ, मर्डर केस जो होते हैं ना, मर्डर केस, वो तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ ऐसे। बस एक बार मेरी बात करवा दो उससे जिसका मर्डर हुआ है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर कोई बता नहीं सकता ना किसका मर्डर हुआ है, किसने किया है। अब मैंने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कोई नहीं आ रहा। मुझे लगता है स्टूडेंट ढूंढने के लिए मुझे जासूस रखने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या जासूस गरमचंद ट्रेनिंग सेंटर यही है? तुम्हारा बाप शराबी था, तुम्हारी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, तुम्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया गया, अंधे हो, दिखाई नहीं देता। गरमचंद जासूस यही है। क्या नाम है तुम्हारा? Myself, प्यारे लाल, उस पप्पू, उस पप्पी। पप्पी? ये मुंह पे पप्पी सूट करता है? तुम करने गए हो? सर मैं जासूस बनने आया हूँ। जासूस बने? जासूस तो मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये हर बार तुम सुधीर को क्यों घुसेड़ देते हो बीच में? एक मिनट रचना जी, बीच में मत बोलना, ये नहीं कि आपकी शक्ल सुधीर से मिलती है आप बीच में बोले। हर बार सुधीर क्यों लेके आते हो? कुछ नया क्यों नहीं करते कम से कम? और नहीं तो इधर आके कर लो सुधीर, ताकि कुछ नया तो लगे। सुधीर कुछ और तरीके का कुछ जासूस करो, ये आई डोंट लाइक दिस। ओके, दूसरे तरीके का जासूस। हाँ ठीक है, रॉब हो गया, रॉब होना चाहिए जासूस में। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के कातिल को ढूंढ लूंगा। हे भगवान, मुझे उसकी उंगलियों के निशान मिल जाए भगवान। ये कौन था? ये जासूस था? ऐसे लगता है किसी बुजुर्ग का डायपर लीक हो गया, वो क्या कर रहे हैं? रॉब होना चाहिए, रॉब होना चाहिए जासूस की आवाज में। व्हाट आर यू डूइंग मैन? ओके, रॉब वाला जासूस। हाँ। अगर मुझे कातिल मिल गया तो वैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके आयु को काट दूंगा। आयु को, आयु को, आयु को, आयु को, आयु को, आयु को, आयु को। ऐसे करोगे ना तो लाश उठ के भाग जाएगी और जाते जाते माँ बहन की गाली देके जाएगी तुम्हें। तुमने सबसे पहले कौन सा किया था? एक्सक्यूज मी, वही ठीक है तेरा। एक बार बताओ, इससे पहले कभी जासूसी की है? बिल्कुल की है सर। क्या किया है? मैंने समंदर के बारे में पता लगाया कि उसके अंदर पानी होता है। वाह, बहुत बड़ी बात पता किया आपने, हमें नहीं पता था उसमें पानी होता है, हमें लगा मेंदू बड़े निकलते उसमें। थप्पड़ मार करे, ये क्या बोल रहे? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है समंदर के अंदर पानी होता है, कोई नई चीज क्या है इसमें? सर नया भी है, मैंने ये पता लगाया कि समंदर के अंदर खारा पानी होता है, मीठा नहीं होता। वाह वाह, ये हमें नहीं पता था कि उसमें खारा पानी होता है, हमें लगा उसमें लाइम सोडा निकलता है। ये देख रहे, दुनिया भर के थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे मैं। देखो, जासूसी करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने अपने बनाए हुए हैं। सपोज अगर किसी का मर्डर हुआ है और उसके बगल में मान लो ये पिस्टल पड़ी हुई है, तो उसको सीधा नहीं उठाना, आपको पहले रुमाल उठाना है, अपनी उंगलियां साफ करनी है ताकि आपकी उंगलियां साफ हो जाए, उसके बाद आपके निशान पिस्टल के ऊपर नहीं पड़ेंगे, फिर आप पिस्टल उठा लो, दैट्स ऑल। सर इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। क्या? लाश पड़ी है। हाँ। बंदूक उठाओ। हाँ। और बोलो खून मैंने किया, केस सॉल्व। या दैट्स अ बेटर ऑप्शन। और इससे भी बेटर ऑप्शन ये है, आपको ये भी नहीं बोलना कि मैंने खून किया है, सीधा जाओ नदी में छलांग मार दो, ऐसे गंदे दिमाग होने से बचे, वही कर लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से घटिया स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जासूस बनने की एक दो चीजें हैं, बाकी मैं सिखा दूंगा। एक्सक्यूज मी, गरमचंद जासूस का ऑफिस यही है? आपकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, आपका बाप शराबी था, आपको बचपन में पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, अंधी हैं आप, आपको दिखाई नहीं देता गरमचंद जासूस यहाँ पे। देखिए, मैं आपके पास ना अपना केस लेकर आई थी। केस लेकर आई हूँ? ओके, कौन सा है, सिजेरियन के नॉर्मल? आप डॉक्टर हैं या जासूस? बोर्ड तो जासूस वाला लगा रखा है। बोर्ड का क्या है मैडम, अभी इतना बोर्ड का क्या है? अभी ये बोर्ड 5 बजे के बाद अर्चना मैडम ले जाएगी।
इसके नीचे लिखवा देंगी बर्फ के ठंडे गोले 24 घंटे तैयार मिलते हैं। बोर्ड तो अपने ये भाई ने भी घर के बाहर लिखा रखा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन तबले वाले। बोर्ड पे नहीं जाना चाहिए क्यों भाई? आप यहाँ वहाँ की बातें करना बंद कीजिए और ये बताइए कि आप जासूसी के पैसे कितने लेंगे। देखो वैसे तो हम लाखों रुपए लेते हैं लेकिन ये हमारा पहला केस है तो जो हम मांगेंगे दे देना, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए, बाकी पैसे वैसे को लालच तो हमें है ही। ये आपका पहला केस है? मतलब इससे पहले आपने कोई केस ही नहीं सॉल्व किया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने बड़े केस सॉल्व किए, अभी थोड़े दिन पहले मैडम का केस सॉल्व किया हमने। इनके जीजा जी जो थे उनकी बीवी नहीं मिल रही थी तो हमने आधे घंटे में ढूंढ दी। इतनी जल्दी ढूंढ दी? ढूंढ रही है आधे घंटे 15 हमारे ऑफिस में तो पड़ी हुई थी। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी केस नहीं आए तो खुद ही एक दो पकड़ के अंदर छुपा लेते हैं, खुद ही निकाल दिया। उसे क्या था कि काम भी बना रहता है, जासूसी की लत भी लगी रहती है, आप समझी कि नहीं? आप अपना केस बताइए क्या हुआ क्या है? जी मेरा ना घर चोरी हो गया, ढूंढ दीजिए प्लीज। घर चोरी हो गया है? क्या आपने कभी किसी ओवरकोट पहने हुए आदमी का मुक्का अपने मुंह पे खाया है? क्या घर कैसे चोरी हो सकता है? तुमने कभी एक घड़ी पहने हुए आदमी का मुक्का मुंह पे खाया है? मेरी एक जवान लड़की कह रही है कि घर चोरी हुआ तो हुआ होगा, तेरे को क्या पता बे, फुल स्लीव मूछे रख के आ गया गंदे आदमी। आइए मैडम आप बताइए कितना बड़ा घर था आपका? जी मेरा 2 रूम किचन था लेकिन मैंने उसे पाल पोस करना 3 रूम किचन कर दिया था। अरे वाह वाह, मेरे पास भी एक साइकिल थी, मैंने उसे पाल पोस के ट्रक बना दिया था। मेरे पास 50 एपिसोड पहले एक पार्टनर आया था, मैंने भी उसको पाला पोसा लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, साले का सुधीर का सुधीर ही रहा वो। तो ऐसा होता है। वैसे क्या क्या चोरी हुआ आपके घर में? जी हमारे गहने भी चोरी हो गए। वाह हैं? कैसे? मैं गहने पहन के सो रही थी और वो चोरी कर गया। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं जब वो गहने उतार रहा था? अरे मुझे क्या पता था कि वो चोरी करने के लिए गहने उतार रहा है। गहने तो ज्यादातर तिजोरी में होते हैं तो आपने पहने हुए थे, इसका मतलब आप तिजोरी में सो रही थी। तिजोरी में सोते सोते सफोकेशन नहीं होती आपको? तो कुछ सीखा इनसे? बिल्कुल सीखा सर। क्या? कि आपके सामने कोई भी क्यू दे दो आप पंच मारे बिना नहीं मानेंगे। मैंने कहा जासूसी में कुछ सीखा आपने? अच्छा उसमें सर, उसमें ये सीखा कि लड़की जो है थोड़ी सी किसी से भी सेट हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो तुम। और तुम प्लीज चोर ढूंढ के दो ना। कितने ढूंढ के दूं? चोर मैं ढूंढ दूंगा, आपको चोर की कोई निशानी बतानी पड़ेगी। हाँ उस चोर की बड़ी बड़ी मूछें थी और उसने साइड से बाल बना रखे थे और काला चश्मा भी पहना हुआ था। ओह तो सीधा बोलो ना विपुल शाह। वो कैसे हो सकता है? देखो चोर कोई भी हो, जैसे चोर का नाम लेते ना हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है। कोई और निशानी बताएंगे आप चोर की? हाँ वो ना ऐसे ऐसे चल रहा था। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि साथ में वो ऐसे ऐसे भी तो कर रहा था। डिस्क्यूं, डिस्क्यूं, डिस्क्यूं। तो कैसे रोकते? इसका मतलब चोर डरा हुआ था। क्योंकि अगर वो डरा हुआ नहीं होता तो पिस्तौल क्यों लेके आता? बहु बेटियों वाला घर है, इतने अच्छे लेग्स हैं। जो भी है सुनिए ना, गहने चोरी हो गए कोई गम नहीं लेकिन घर चोरी हो गया और तब से हम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, प्लीज घर ढूंढ दीजिए। ओके आपके आसमान का एड्रेस क्या है? जब आपका घर चोरी हुआ तो घर में कौन कौन था? मेरे घर में मेरे सास ससुर, मैं, मेरा पति, मेरा देवर, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरी चाचा, मेरी चाची, मेरी फूफा, मेरी फूफी, मेरी ए, जब सारे खत्म हो जाए मेरे को बुला लेना, मैं घर जाके क्या कर रही है आप? खत्म हो गया बस, मामा मम्मी रह गए। ओह माय गॉड, फिर तो मुझे लगता है आपका घर चोरी नहीं हुआ होगा बल्कि नाराज होके भाग गया होगा। 2 बेडरूम हॉल में पूरा ऑडिटोरियम के ऑडियंस को भर के रख दिया, भागेगा नहीं तो क्या होगा? देखो मुझे मेरा घर ढूंढ कर दो, अगर मेरा घर नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारे घर में आके रहने लगूंगी। क्या बात कर रही हैं आप? ए,
पक्का आप मुकरना नहीं अब मेरे घर में रहना। हेलो, हाँ पूरे देश की डिटेक्टिव एजेंसी, एक लड़की है उसका घर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो मेरे घर पे रहने वाली है। ठीक है इधर आ, मेरी जोड़ी तो बन गई, अभी तू जाके मनोरमा टाइप ढूंढ अपने आप, मैं ढूंढू तेरे को। ए ए लड़की, ये पसंद है तुम्हें? नहीं। तुम्हें पसंद है ये? अच्छा ये पसंद नहीं है तो साथ में कौन सा जॉन अब्राहम बैठा हुआ तुम्हारे? चलो 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 चलो, 5 बज गए, नहीं तो मैडम अपना बोर्ड लेने आ जाएंगी, बर्फ के ठंडे गोले 24 घंटे। अब देखिए मत, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया आपका बर्फ के गोले का काम है, आज बता दिया, ये मेरी जोड़ी बन गई। आज हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए और आप भी टाइम पे घर जाइए, चलिए हटिए। थैंक यू। तो जजेस कैसा लगा आपको कपिल का ये जासूस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? अरबाज बहुत मजा आया। कपिल आपने जब स्टैंड अप शुरू किया तब से ही मुझे आई वॉज लाइक एक्साइटेड, आई वॉज लाइक हैप्पी, आई वॉज लाइक फैंटास्टिक, दिस इज कपिल। कपिल ने मतलब फिर से कपिल देव की तरह मुझे बोल्ड कर दिया। वेरी गुड, बहुत मजा आया, आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक एक्ट, फैंटास्टिक। आरजी, यू नो दिस एक्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, क्योंकि बाकी सारे एक्ट्स में हमने जासूसों को जासूसी करते देखा, यहाँ पर आपने एक पूरा इंस्टीट्यूट खोल लिया। वैसे मेरे ओपिनियन में आपको एक इंस्टीट्यूट जरूर खोलना चाहिए, नहीं आपने आगरा वाले पागल खाने के वाला इंस्टीट्यूट नहीं, यू शुड ओपन एन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर कैसे कॉमेडियन बनना है, बिकॉज कपिल यू गॉट दी आर्ट परफेक्टली। एंड श्वेता एंड मुबीन, आप ये नहीं कहूँगी कपिल के साथ रहते रहते आप और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन यू बोथ आर रियली शाइनिंग, एंड स्पेशली इन टुडेज एपिसोड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस एक्ट विद अ लॉट ऑफ कपिलिज्म्स, और इस तरह का कैरेक्टर इस अंदाज में अगर प्ले कर सकता है कोई तो वो सिर्फ कपिल। आर्ची आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 points फ्रॉम अर्चना एंड अरबाज, 9 points फ्रॉम अरबाज। दुनिया में कुछ भी चोरी हो जाए, हमारे जासूस आपकी हंसी को कभी चोरी नहीं होने देंगे। आपकी हंसी को सुरक्षित रखने के लिए हम आते रहेंगे, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।